इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और एक बार नहीं लगातार आना पड़ेगा। 10 15 20 सेमिनार देख के तो आपको ये समझ में आता है कि ये है क्या, राइट? और उसके बाद जब आपको ये सिस्टम समझ में आ जाता है तो फिर कुछ समझ में नहीं आता है ना। अगर ये जितने लीडर बैठे इनसे बोले नौकरी कर लो, बोले नौकरी पागल हो गया क्या, हमारे बस की नहीं है नौकरी। यार एक बात बताओ, अभी पिछले महीने मैंने अपने पुराने पांचवी क्लास के दोस्तों के फोन नंबर ढूंढे और अभी हम लट्टू गैंग शुरू करने वाले हैं। कौन सा? लट्टू और कंचे गैंग। मेरी पांचवी क्लास के जितने दोस्त हैं मैं सबको ढूंढ ढूंढ के हम महीने में एक दिन लट्टू खेला करेंगे और कंचे पे खेला करेंगे। कैसा लगेगा? मजा आएगा? करेंगे हम, हमारा मन कर रहा है हम करेंगे, हमारा जो मन करता है हम वो करते हैं। कल मेरा काम करने का मन नहीं है तो नहीं करना, कल अगर परसों मेरा काम करने का मन है तो मैं परसों काम करूंगा। ऐसी फ्रीडम आपको किसी बिजनेस में मिल सकती है? नो। किसी बिजनेस में मिल सकती है? नो। तो, क्योंकि ये कल्चर अलग है और वो कल्चर अलग है। कलकत्ता में नवरात्रों में एंटरटेन है और दिल्ली में नवरात्रों में नोट एंटरटेन है। तो गलत कोई नहीं है, नौकरी नौकरी भी सही है, बिजनेस बिजनेस भी सही है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का अपना एक अलग टेस्ट है, अलग कार्यशैली है, अलग टेक्नोलॉजी है। अब हम समझते हैं कि हम जो मार्केट में काम करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग अलग कैसे है, थोड़ा सा समझना चाहेंगे? yes. चलिए, उससे पहले एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग अकेली वो इंडस्ट्री है जो हमारे उन सभी सपनों को पूरा करने में मदद करती है जो आज तक हम अपनी नौकरी या बिजनेस से नहीं कर पाए। मेरा एक दोस्त है नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सफल है। देखो, सबकी चाहत नहीं होती पैसा, राइट? मेरा एक दोस्त है जिसकी बहुत बढ़िया दुकान है। अब वो दुकान पे बैठा रहता है, मैं जाके पता है क्या करता हूँ, उसके साथ दुकान पे बैठता हूँ और ऐसे टांग पे टांग रख के उसका टीवी देखता हूँ और उसे बताता हूँ मैं थाईलैंड गया तो ऐसे घूम के आए, अभी मैं जिम कॉर्बेट गया तो ऐसे घूम के आए, और उसकी शक्ल ऐसे छुआरे जैसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसे रोज सुबह कहाँ के बैठना है? वहां से जा सकता है कहीं नहीं, अगर चला गया तो उसके जो कर्मचारी है वो उसके सारे पैसे चुरा लेंगे। तो बेचारे को पैसे तो बहुत कमाता है लेकिन उस पैसे का क्या, अचार डालेगा जब कहीं घूमने नहीं जा सकता, राइट? तो हमारी जिंदगी में जो भी ऐसे सपने हैं जो हम नहीं पूरे कर पा रहे, नेटवर्क मार्केटिंग वो सभी सपने पूरे करने में मदद करेगा। और जो हम जॉब बिजनेस या प्रोफेशन से पूरे नहीं कर पा रहे, सपने क्या क्या हो सकते हैं? देखो, हर आदमी का अलग सपना है। किसी का सपना हो सकता है एक बढ़ती हुई आय। कैसी आय? बढ़ती हुई आय। नौकरी जैसी नहीं, नौकरी में तो क्या होता है, जितने खर्चे होते हैं उससे कम आती है। नौकरी की जो वैलिडिटी होती है ना, जैसे मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी होती है 29 दिन की, मुझे समझ में आज तक लॉजिक नहीं है कि 30 दिन की वैलिडिटी क्यों नहीं होती, 29 का क्या लॉजिक है? तो मुझे लगा ये बेचारे किसी आदमी ने ऐसे ने वैलिडिटी बनाई होगी जो नौकरी करता होगा, क्योंकि 29 तारीख को आदमी एटीएम में एटीएम घुसेड़ घुसेड़ के उसी का खून कच्चर कर देता है क्योंकि पैसे 15 तारीख को ही खत्म हो जाते। ये सुन लो, हमें एक ऐसी इनकम चाहिए जिसमें हमारे खर्चों से ज्यादा पैसा हमारे पास होना चाहिए। अगर शॉर्ट में बोलूं, कोई चीज अगर हमें पसंद आ जाए तो हमें उसके लिए सोचना ना पड़े। अभी लास्ट दो चार पांच दिन पहले अभी हम लोग एक फैमिली टूर पे जा रहे हैं घूमने के लिए तिरुपति बालाजी। तो मेरी बेटी ने दो ड्रेस पसंद करी, बोली पापा ये लूं या ये लूं, ड्रेस दोनों अच्छी लग रही थी तो कंफ्यूज हो रही थी, पापा बताओ ना कौन सी लूं। मैंने कहा एक काम कर आसान है, दोनों ले। इतना दिमाग यहां लगाएंगे सच में किसी को प्लान नहीं दिखा देंगे, है ना? तो आपकी लाइफ में इनकम उतनी होनी चाहिए जिससे आपको अपने खर्चों, देखो ऐसा होता है लिमिटेशन तो किसी चीज की नहीं है, है ना? पागल तो आज की डेट में मुकेश अंबानी भी है, राइट? लेकिन कम से कम इतना तो हो कि हमें अपना मन को ना मारना पड़े, हमें अपने बच्चों के मन को ना मारना पड़े। तो एक ग्रोइंग इनकम, अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी या आपके बिजनेस में है तो आपके लिए बेस्ट चीज बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर अभी भी कोई कमी है, आप अपने बच्चों के, अपने पत्नी के, अपने परिवार के, अपने यार दोस्तों के, अपने जानने वालों के ड्रीम्स को अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आपको वैसे चीज की सख्त जरूरत है। दूसरा ड्रीम किसी का हो सकता है एक बड़ा घर, आदमियों से पूछो तो कार, औरतों से पूछो तो, और घर का किचन इतना बड़ा जिसमें वो नाच भी सके, ढोलक भी बजा सके और खाना भी बना सके। ये लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया, पर चाहिए तो चाहिए। क्यों मैडम? घर बड़ा सा होना चाहिए और बहुत बड़ा होना चाहिए, राइट? तो आपका घर आपकी पसंद का होना चाहिए जिसमें आपकी अपनी पर्सनल पार्किंग हो, जहां 3 गाड़ियां खड़ी हो, छोटा सा ग्राउंड, आपका बगीचा भी होना चाहिए,
गेस्ट रूम दो होने चाहिए, आपका रूम अलग होना चाहिए, आपके बच्चों का अलग होना चाहिए, बड़ा सा ड्राइंग रूम होना चाहिए, बड़ा सा किचन होना चाहिए, और उसकी छत पे भी बढ़ के आप देख सको, बालकनी होनी चाहिए, आजू बाजू के घर भी अच्छे होने चाहिए। ये सुन लो, क्या सब ऐसा ड्रीम देखते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं आज हमें छोटे घर में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी इनकम उतनी नहीं है जो उतना बड़ा घर हम ले सके। वेस्टीज एक रास्ता है जहां से आप अपने, अभी सिद्धार्थ सर ने 8 करोड़ का घर लिया है, कितने का? एक सीनियर लीडर थे, वो उनके घर के बोले मेरा पूरा घर इतना बड़ा नहीं है जितना उनका किचन है, है ना? तो ये सपने पूरे करने वाला बिजनेस है। आप में से किसी का सपना हो सकता है कार लंबी सी, जिसकी छत भी खुलती हो, है ना, जिसका म्यूजिक साउंड भी बड़ा पड़ोसियों को परेशान करने वाला होना चाहिए, और कार ऐसी हो जिसे देख के 4-5 की हालत पतली हो जाए, जिसके लड्डू बांटने में आपको मजा आए। यस और नो? जो आपसे जलने वाले हैं वो जल जल के मर जाए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। क्या आपका सपना है? वो आप इस चीज से पूरा कर सकते हो। मान सम्मान फॉरेन वेकेशन, आज जिसे देखो वही क्रूज, क्रूज ना हुआ बैलगाड़ी होगी, सबने ऐसी तैसी कर डाली होगी, है ना भाई साहब? जब इस चीज का टूर जाता है ना, जितने लोग जाते हैं उनसे पूछ के देखो, हवाई जहाज की रेल बना देते हैं, एयर होस्टेस पागल हो जाती है, पायलट भी बेचारा उठ उठ के आता है, बोले साहब शांति से बैठ जाओ, है ना। 40,000 फीट की ऊंचाई पे हम लोग डांस करते हैं, ताना भैया करते हैं, जो मौज मस्ती हो सकती है ना, हम सब कुछ करते हैं, और वो हमें पावर देता है वेस्टीज। मैं अगर नौकरी कर रहा होता तो क्या मैं जर्मनी घूम के आ पाता? क्या मैं थाईलैंड घूम के आ पाता? लेकिन वेस्टीज ने मुझे वो पावर दी, और ना सिर्फ मुझे बल्कि इसकी सबसे बड़ी पावर ये कि मैं अपने जानने वाले कुछ लोगों को साथ में भी लेके जा सकता हूँ। इसके अलावा अगला ड्रीम हो सकता है आपका, ये आगे जितने बैठे हैं ना सबका ड्रीम है, अगर किसी को भी माइक दे दिया ना, इसे छीन छीन के करना पड़ता है, तभी वो बोल रहे थे ना सीनियर सर आप तो समय का ध्यान रखना बोलना पड़ता है, राइट? आपको पता है एक एक रैली करने के लिए कितनी कितनी बलेरो वालों को पैसे दिए जाते हैं, भीड़ भर भर के लाने के लिए, और यहां उल्टे दे के आते हो, राइट? ये ड्रीम है माइक मेरे दोस्त, और बहुत सारे लोगों का सपना हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहां बैठे और वो लोग उनकी बातों को सुने। अगला ड्रीम हो सकता है डेट फ्री लाइफ, कर्जा मुक्ति। जाने अनजाने में हमसे कई बार कुछ गलत कदम हो जाते हैं, कुछ गलत चीजें हो जाती हैं, हमारे सर पे कर्जा हो जाता है, आपको कर्जा भी उतार सकते हो। इसके अलावा फैमिली प्रोटेक्शन, फैमिली प्रोटेक्शन के नाम पे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस, क्या वो सफिशियंट एनफ है? मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, इंश्योरेंस एक अच्छी चीज है, हमें अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मेरे एक जानने वाले सेल्स मैनेजर थे बरेली से, उन्हें इंश्योरेंस की वैल्यू पता थी, उन्होंने 1 करोड़ रुपए का अपना टर्म इंश्योरेंस कराया, अनफॉर्चुनेटली उनके साथ दुर्घटना घटी और कोई धरती पे नहीं रहे, उनकी पत्नी को 1 करोड़ रुपए मिले, और पत्नी को जब 1 करोड़ रुपए मिले तो उनके दूसरे साथी सेल्स मैनेजर की आंख में लालच का दानव तैर गया, और उन्होंने 95,00,000 रुपए का सिंगल रेगुलर प्रीमियम उनका कर डाला। इंश्योरेंस वाले जितने बैठे सबके चेहरे पे हंसी आ गई, सिंगल रेगुलर समझ गए वो, राइट? और आज वो औरत 10,000 रुपए लेके नौकरी कर रही है। क्या इसे बोलते हैं फैमिली प्रोटेक्शन? फैमिली प्रोटेक्शन किसे बोलते हैं आप समझ लीजिए, हमारे सबके एक चाहने वाले लीडर है मिस्टर सुदर्शन मोहंती जी, जानते हैं? मिस्टर सुदर्शन मोहंती जी जब जिंदा थे तो उनकी इनकम 8-9 लाख रुपए थी, आज वो इस धरती पे नहीं है, फिर भी उनकी फैमिली का लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब नहीं हुआ है। वो भुवनेश्वर की सबसे बड़ी सोसाइटी में रहते हैं, 2-2 मर्सिडीज उनके घर पे हैं, और उनके जो 2 बच्चे हैं वो डीपीएस स्कूल में पढ़ते हैं। पीछे कुछ समय पहले डीपीएस की मैनेजमेंट ने उनकी वाइफ को बुलाया, मिसेस मोहंती, हम जानते हैं कि मिस्टर सुदर्शन मोहंती अभी धरती पे नहीं है, और डीपीएस का मैनेजमेंट हर साल 5 बच्चों को स्पॉन्सर करता है, कितने बच्चों को? 5 को, और आपके दोनों बच्चों का नाम डीपीएस की मैनेजमेंट ने इस बार रेकमेंड किया है। हम चाहते हैं कि इस बार की फीस अगले साल की डीपीएस आपके बच्चों की भरे। मिसेस मोहंती ने कहा, थैंक यू सो मच, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, लेकिन मेरे हस्बैंड कुछ ऐसा काम कर गए कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और हाँ, आज के बाद डीपीएस 5 नहीं 7 बच्चों को स्पॉन्सर करेगा, 2 बच्चों का खर्चा मैं उठाऊंगी। दैट इज कॉल्ड फैमिली प्रोटेक्शन। क्या हम ऐसी फैमिली प्रोटेक्शन अपनी फैमिली को देना चाहते हैं? लेकिन ये बातें हमारे पड़ोस के पप्पू या चंपक को समझ में नहीं आएंगी, राइट? आप उसे कितना ही नहीं समझाओगे उसे समझ में नहीं आएंगी। उसे समझाना है तो उसको उठा के लाके यहां बिठा देना, सब समझ में आ जाएगी, राइट? आपके घर पे समझ में नहीं आएगी,
ये सब कुछ हम यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन क्या कारण है कि आज हम अपनी नौकरी या बिजनेस से ये सब कुछ नहीं प्राप्त कर पा रहे? उसके पीछे लॉजिक है।